साल तो क्रेडिट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल क्रेडिट डॉट जो फर्स्ट टाइम चैनल पे है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि जो लोग कैट 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी कमाल की क्लासेस लेकर के आया जो है बिगनर बैच। और इस बिगनर बैच में आप लोग क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्या चीजें हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे। देखो, अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बिगनर बैच बहुत ही बूस्टर साबित हो सकता है और आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। और ये जो क्लासेस है वो भी अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर है उनके द्वारा लिया जा रहा है, तो एक और प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स है वो कवर किए जाएंगे, तो आपको देरी न करते हुए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उस पर क्लिक करके इनरोल कर लो। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जो लोग भी अनअकैडमी का, कैट का या किसी भी चीज का पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो लोग मेरा जो कोड है करियर 10 उसको यूज करके आप 10% का एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हो। और अनअकैडमी पे जो भी कैट की फ्री क्लासेस हैं उनको अनलॉक करने के लिए भी आप मेरा जो कोड है वो करियर 10 यूज करके इन फ्री क्लासेस को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके क्लिक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आज के वीडियो में हम एक फैंटेस्टिक टॉपिक पे बात करेंगे कि एमबीए करने के बाद कितना पैसा कमा सकते हो। इस पूरे वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि एमबीए करने के बाद क्या करना है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। देखो, एक टाइम था एमबीए लोग करते थे कि नहीं, अगर मैंने एमबीए कर लिया तो मेरा करियर सेट है, मेरी लाइफ सेट है, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी और जो मेरी पैकेज होगी वो भी अच्छी खासी होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ना, 2013 कह लीजिए, 2013 एक ऐसा टाइम था, उसके बाद एमबीए में बदलाव आना शुरू हुआ। एमबीए में बदलाव क्यों आया, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि डिजिटल मार्केटिंग, जो हम डोर टू डोर मार्केटिंग करते थे और जो हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का चीजें करते थे, वो सारी चीजें एमबीए में अब दूर जाने लगी। और दूर जाने लगी तो डिजिटली लोगों से मिलना हो गया, व्हाट्सएप पे चैट होने लगी, बात होने लगी, क्लाइंट हैंडलिंग होने लगी, तो बहुत सारी चीजें डाउन हो गई एमबीए में, जिसकी वजह से जो जॉब है वो एमबीए की कम होने लगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एमबीए के बाद जॉब नहीं मिल रही है। आज भी अगर आपने अच्छे कॉलेज से, अच्छे इंस्टीट्यूट से, आईआईएम जैसी संस्थाओं से एमबीए किया है तो आपको ऑब्वियसली हाई सैलरी पैकेज लेने से कोई रोक नहीं सकता। हाई सैलरी पैकेज में बात करें, अगर हम नॉर्मल सैलरी की बात करें, अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो नॉर्मल स्टार्टिंग जो सैलरी है 20 से 25 हजार रुपए आपको मिल जाएंगे अगर नॉर्मल कॉलेज से आपने किया हुआ। अगर आपने आईएम से किया तो ऑब्वियसली आईएम की बात ही अलग है, आईएम में तो करोड़ों की पैकेज जाती है। लेकिन क्या सबकी जाती है? जी नहीं, सबकी करोड़ों की पैकेज नहीं जाती है। जो डिजर्व करते हैं, जिनमें वो पोटेंशियल होता है, जिनमें वो स्टेमिना होता है, जो उस लायक होते हैं उन्हीं को वो पैकेज मिलती है। तो एमबीए आप करने आओ, लेकिन उसके साथ कई सारी चीजें और एड ऑन होंगी और ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। देखो, जो लोग एमबीए करने आ रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट थिंग क्लियर कट में मैं बता रहा हूं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल बदल डालें। अगर एमबीए के बाद भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं सही है तो आपका एमबीए करने का कोई फायदा नहीं है, 0% समझ लीजिए बेनिफिट्स होने वाला है अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं सही है। दूसरा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि मार्केटिंग की जॉब है तो ऑब्वियसली पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत मायने रखता है। आपकी बोलने की स्किल कैसी है, किस तरह से आप प्रेजेंटेबल अपने आप को बनाते हैं, ये सारी चीजें एमबीए के जॉब में इन्वॉल्व होती हैं। और अगर ये सारी चीजें आपने कर ली और अपने जो स्किल्स होते हैं एमबीए पे, चाहे आपने मार्केटिंग में किया हो, चाहे एचआर में, चाहे अकाउंट्स में, किसी भी चीज में आपने एमबीए किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये चीजें आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती हैं और आपका जो जॉब प्रोफाइल होता है वो भी स्ट्रांग होता है, आपका सीवी स्ट्रांग होता है और कंपनी यही सब चीजें देख करके आपको हायर करती है। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि एमबीए करें या ना करें, एमबीए करें तो क्यों करें, एमबीए करने के बाद कितना पैसा कमा सकते हैं। एक बंदा एमबीए करके 2 लाख की पैकेज पे काम कर रहा है, एक बंदा एमबीए करके 2 करोड़ की पैकेज पे काम कर रहा है, तो ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क सिर्फ और सिर्फ आपको जो मैंने चीजें बताई हैं वही चीजें लेके आती हैं। तो नॉलेज तो अपनी जगह है ही है, एमबीए के बाद नॉलेज आपको चाहिए चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए चाहिए, लेकिन अगर इंडिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना है, चाहे वो टाटा ग्रुप हो गया, चाहे मारुति सुजुकी हो गया, चाहे आप कह लो कि बहुत सारे और एमएनसीज हैं, एससीएल है, विप्रो, इन सब कंपनियों में काम करना है तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपनी टेक्निकल स्किल, इन सब चीजों पे काम करनी है। एड ऑन एक चीज और करनी है, एमबीए में डिजिटल मार्केटिंग एड ऑन हो चुका है, तो जितना जल्दी आप डिजिटल मार्केटिंग भी सीख लोगे एमबीए करने के बाद
तो आप अच्छी सैलरी पा सकते हो। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में ही मेरे को बोलना चाहिए था कि जब भी आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ट्राई करो अच्छी रैंक लाओ और अच्छे कॉलेज में जाओ ताकि अच्छे से प्लेसमेंट हो सके और बस आपका करियर ग्रो होता रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें। थैंक यू।